1800-1866-844. धन्यवाद MA TV। मेरे नाम लक्ष्मण राज गुरुजी, देशी जड़ी बूटी आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेवा सेंटर। मेरे शो देखने वालों को और रिलेशन के सबका नमस्कार। हमारा जो बोल रहा है आप देखते रहे ना, हम कैसा है, किस लिए है, सबका अच्छा होने के लिए, सब लोग को ठीक करने के लिए, सबको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम से जो है, ये सब लोग को सोल्यूशन और कैसा रहने का, क्या करने के, इसके लिए मैं सब लोग को बोलने के लिए मैं आया हूँ। अभी तो मैं शो में आया हूँ, अब मैं बताते रहता हूँ तो ध्यान से देखते रहे ना। ये देशी जड़ी बूटी का मतलब क्या है? देशी मतलब उनके पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एजुकेशन करके कोई डॉक्टर बन के जो दवा नहीं है। अभी ये दान मंत्री से आता है। दान मंत्री कैसे, तो पहले जंगल में जो होते रहे उड़ते रहे उड़ाले दान मंत्री। ये पहले जंगल दान मंत्री जो नहीं है, दान मंत्री कैसा होता है, क्या होता है, जंगल में कोई डॉक्टर वेक्टर कोई नहीं है, जब से जो आया दान मंत्री बोलता है। ये ऐसा जो तो खुद काके ये जड़ी बूटी का जो आइटम जो होता है खुद जो खा के जंगल में रहने के टाइम, पहले 61 का पहले हमारा पिताजी जंगल में रहता था। बुझी पत्थर चित्तल का चमड़ा बाघ का चमड़ा पींद के जंगल में घूमने वाला, जो नेवरू वल्लभा पटेल जाकुरुशेनु आदिवासी लोग को पकड़ के आंध्र प्रदेश ला के, जब तो तेलंगाना हो गया, अभी आंध्र तेलंगाना हाफ हाफ हो गया, जगह जमीन सब कुछ दे दिया है, 50 एकड़ जमीन भी दिया और कुछ जंगल भी कट के भी कुछ जगह भी मिल गया था। ऐसे आदिवासी लोग अब लोगों का बहुत जड़ी बूटी में बहुत जानकारी है, बहुत जानता है आपका, मगर ऐसा जड़ी बूटी जो दवा इलाज तो आपका जानता है सबका, क्या प्रॉब्लम ठीक करने का, क्या दवा दे क्या प्रॉब्लम ठीक होती सब जानता है। आप तो दवाई का कभी ऐसा छोड़ना नहीं, आप छोड़ेगा तो दूसरा छोड़ेगा तो ऐसा दवाई का नाम ही बदनाम हो, नाम ही ऊपर नहीं आता है। बोल के गवर्नमेंट जगह जमीन सब देखे, उधर से हम लोग जो होते 26 जनवरी 15 अगस्त दिल्ली में हमारा ग्रुप पे एक आदमी जाता है, जाके उधर पे डांस होता है राजभवन से भी, राजभवन से इंडिया गेट तक राजभवन से भी वो जाता है, उधर से 50% लक्ष्मी भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का। ऐसे इसमें हम लोग ना आदिवासी का ट्राइबल चीफ है, हमारे पिताजी चीफ है, उसके बाद में हम लोग चीफ है। ऐसे जड़ी बूटी में क्या क्या काम करता है, कौन सा दवाई क्या काम करता है, मैं बताता है, सुनते रहना। इधर में जो होता है हर जगह पे क्या होता है प्रॉब्लम से कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम हो के और कुछ बोलने के नहीं, और उधर सबसे बड़ा जो UK में क्या होता है प्रॉब्लम, तो अभी ठंडी का सीजन है, क्लाइमेट का भी चेंज होते रहता है। अब इधर में क्या होता है दौड़ भाव तो बहुत ज़्यादा होता है, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता है, टाइम टू टाइम तो सोने का भी नहीं है, और टाइम टू टाइम मेंटेन करने के तो आदमी लोग का तो है करने का तो इरादा है, टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए ये बड़ा 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 प्रॉब्लम बढ़ते 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 जा रहा है। खैर उसका ट्रीटमेंट भी है, खैर मगर करता नहीं, घर पे उसका टाइम नहीं है, ऐसे छोड़ देता है। जो पहले मैं पहले से बोल रहा हूँ फिर बार बार वही बोल रहा है, नहीं समझना किस लिए बोल रहा था, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हो तो पहले बोलना चाहिए, वो बोलने के बाद सब स्टार्ट करेगा। अब तो कुछ लोग सुना होगा और नया वाला सुनता है, उनका भी मालूम होना है, इसलिए पहले आप लोग रखने का पेट क्लियर रखना चाहिए।
इसका सिम्टम्स क्या है? ये क्या होता है, तो पेट किस लिए आप लोग रखना है, क्या होता है, आप लोग जो भी खाते हैं बचपन से जो चीज होता है खाया होगा, अभी हर दिन जो खाने का चीज होता है और जो खाने की चीज़ जो अलग अलग होता है, कोई मटन होता है, मच्छी होता है, कुछ लोग मटन मच्छी नहीं है, कुछ पिज़्ज़ा होता है, ये सब खाते खाते ये सब क्या होता है, कुछ डाइजेशन होता है, कुछ लोग का क्या होता है, मलबंधक होता है, कब्ज होता है, पेट में बैठ के ऐसी के थोड़ा 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 ऐसा पकड़ लेता है, डस्ट डस्ट जो होता है, देखो उसी के जो होता है, कोई डस्टबिन जो होता है, डस्ट जो पकड़ेगा तो कैसा ब्लॉक होता है, देखो नल जो होता है वो डस्ट पकड़े तो ब्लॉक होता है ना, ऐसे जो होता है ये भी ऐसे पेट में पकड़ते रहेगा तो उससे बीमार बढ़ते रहेगा, जो पाइप है वो डस्ट पकड़ेगा तो देखो वो पूरा खा लेता है उधर, वो डस्ट पकड़ के ऐसे जो तैली का जो पेट के अंदर भी जो होता है, जो तैली जो होता है अब खाने के चू होता है वो क्लियर रहेगा तो कुछ परवाह नहीं, उससे क्या होता है ये पकड़ लेता है थोड़ा होता है खाने के चू, जो तेल का चीज़ होता है और मटन होता है, मच्छी होता है, जो खाने की चीज़ जो होता है ऐसा जो स्ट्रांग होता है वो तो पकड़ लेता है, मगर बैक्टीरिया बैक्टीरिया फॉर्म करेंगे। पॉम जो हो जाता है, खैर वो शुद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कष्ट करने का नहीं है, कोई प्रॉब्लम का नहीं है, मैं तो हर दिन बोल रहा हूँ, कुछ लोग कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को मालूम नहीं है, और भी बोल रहा हूँ, अब बार बार बोलने का यही है ना, जो अच्छी है वही बता रहा हूँ, पहले खजूर जो बोला है 6 खजूर, खजूर, हाँ 30 जो होता है द्राक्षा तुर्क सूखा द्राक्षा, सूखा द्राक्षा, ये अपना जो होता है इसी के तो पानी के अंदर में सुबह में रख के और रात में खाना खा के सोने के टाइम में क्या होता है उसका उबाल के उसी के जो वेस्ट डस्ट हो तो फेंक देने के, उसी का पानी तो हर दिन खा पीते रहेगा तो बच्चों से लेके बड़ा लोग जा होता है उसी में जो पकड़ लिया है वो पूरा साफ करता है, क्लियरेंस। क्लियर क्लियर करके करके थोड़ा 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 क्लियर होते होते रहेगा तो अभी जो होता है पानी आएगा तो नल अच्छा रहे तो पानी निकल जाता है, डस्ट पकड़ेगा तो ब्लॉक हो जाता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा तो एकदम पानी ऊपर आ जाता है, जैसे ये भी है ना मेरा पेट का भी वही प्रॉब्लम है, जब इधर ये ब्लॉक हो जाएगा तो एसिडिटी होता है, गैस होता है, ये गैस सब ऊपर आ जाता है, ऊपर आए। ये थोड़ा अब तो करते रहना है, बड़ा भी हो छोटा भी हो जो भी हो ये तो कर, आज का या कल नहीं होगा ऐसा नहीं समझना, आप लोग करते रहेगा तो वो तो ठीक होते रहेगा। उसी के बाद जनरली अब तो घर पे मिलने वाली चीज है, घर पे मिलने की चीज होता है और अदरक होता है, अदरक का रस होता है और नींबू का रस होता है, हनी होता है, शहद हनी, एक एक टीस्पून ये है ना गर्म पानी में मिला के लेना चाहिए, कोई शुगर रहता है शुगर किसी को होता है वो तो उस लोग का हनी नहीं चाहिए, और शहद तो होता है शहद तो छोड़ देना है, और नींबू का रस अदरक का रस और गर्म पानी बस वो तो लेते रहना, और किसी के जो होता है वो तो वेट छोड़ ज़्यादा होता है हाँ तो फैट होता है वो 40 साल उसका इतना उम्र आने से होता है, एक गार्लिक ओहो, एक पीस उसके साथ आप लोग लेगा तो क्या होता है, कोई बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रॉल ये पानी सब में डालेंगे नहीं, खाना चाहिए खाना चाहिए। पानी में डालने से क्या होता तो नहीं है वो खाने का नहीं लगेगा तो ऐसा कूट के ऐसा भी ले सकता है कूटने का बात है, कूटने मतलब का, ठीक है। और उसके बाद ऐसा भी लेने का प्रॉब्लम हो तो वो कूट के थोड़ा पानी में डाल के उबाल के वो वेस्ट पे के वो उसका पानी भी पी सकता है, ठीक है। जैसा होता है ऐसा खा लेना, और उसके बाद और थोड़ा टाइम रहेगा तो थोड़ा दवा का ऊपर इंटरेस्ट रहेगा तो, और धनिया का पानी, धनिया होता है धनिया और जीरा होता है जीरा, बड़ी सोप होता है, अच्छा। ये तीनों आइटम और उसमें दो उतना आप लोग को जो मेन चीज ये तो काला जीरा होता है, हाँ हाँ जीरा काला सीरा हाँ धनिया हाँ बड़ी सोप ये सब होता है ना उबाल के पानी होता है ना पानी में, ये पानी में उबाल के जो पूरा भाग 2 गिलास 1 गिलास आने के बाद वो तो फेंकने का, ये पानी पीते रहना, पीते रहेगा तो क्या होता है सोप लगाएगा तो कपड़ा का सोप लगेगा तो क्या होता है क्लियर होता है, फिर क्लियर होने के बाद वो कपड़ा क्या होता है वो बर्तन में लास्ट फाइनल में बर्तन में कपड़ा डाल के फिर निकालता है, क्या होता है
शुद्ध हो जाता है। अभी दवाई भी है होता है, ये क्या करता है, ये पूरा महिला दुर्ग निकलने के बाद ये पूरा साफ क्लीन करता है। जब से क्या होता कोई प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगा। ये खाना मैं तो आज एक आदमी मैं फोन किया था, मेरे को हमारा प्रोग्राम देख लिया था, कोई बताया, उन लोग बताया था मेरे को, मैंने आज तक बीपी से कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया, बीपी का वही मैं ब्लड प्रेशर वही बोल रहा हूँ, उसका समझ गया बीपी है, उसका उम्र कितना है, 40 की उम्र है, मगर बीपी तो ज्यादा बहुत होते रहेगा तो क्या समझाए, कुछ नहीं होता, क्या होता, वो दवा नहीं कहया, डॉक्टर दवा नहीं, आयुर्वेदिक कुछ नहीं कहया, मगर खाने के बाद अभी तो पैरालिसिस हो गया। अभी मेरे को फोन करता बुला रहा था, और किधर से जो होता है मैनचेस्टर में लंदन, आप आना है, अभी आने का मुश्किल है, आप आना बोल के मेरे को बोला है, और भी उनके पास भी जाके देखने वाला है, अभी टाइम नहीं, मैं बताया था। ये देखो बीपी कितना बहुत खतरनाक है, ब्लड प्रेशर शुगर स्लो पोजन बीपी सेकंड जब होता है, जब खत्म आदमी के जो होता है ना पूरा को खत्म कर लेता है। बीपी भी और सडनली डेंजर है, खैर बीपी के लिए किसी का जो बीपी जो होता है थोड़ा, बीपी कैसा बनता, अपन नमक होता है, नमक तो क्या होता है, टेस्ट होता है, नमक बराबर है, नमक ले सकता है, ये नमक लेने से ज्यादा मत लेना है, जो होता है ना अब सब्जी में डाल रहा है और कुछ में डाल रहा है उसी में भी ज्यादा नहीं देना। और कुछ लोग नमक भी ज्यादा लेते हैं, नमक जीते देते क्या होता है, जो नस होता है ये नस से क्या, नस के पीछे से उगा होता है बाहर में जो होता है उसका, ये पैट जैसे होता है, ये नमक का जो है उनका वो नस होता है दबाता है, दबाते क्या होता है उसका नस छोटा कर लेता है। अच्छा, बीपी रेज हो जाता है, ये रेज होने के बाद ये प्रॉब्लम पूरा बनने का। ये बीपी से क्या होता है, कुछ लोगों को ब्रेन का प्रॉब्लम आता है, कुछ ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है, मिर्गी भी आ सकता है, और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस क्या होता है, राइट साइड होगा तो कुछ परवाह नहीं, लेफ्ट साइड होता तो बहुत डेंजर है, लेफ्ट साइड में उठो हार्ट का जो होता है ना बहुत डेंजर होता है। इसलिए क्या होता है, नमक जो जितना कम करता है उतना बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए कोई परवाह नहीं, अब 40 साल तक होने के बाद तो अभी जो बीपी हो ना हो, रहने से ना रहने से भी नमक तो लेना, बहुत कम लेना चाहिए, लेने से बहुत अच्छा है। और उससे क्या होता है, बीपी कभी किसी के जो स्टार्ट लगता है, लगने से कोई बड़ा दवा लेने की जरूरत भी नहीं है स्टार्टिंग में। इलायची जो होता है ना, इलायची जो होता है, इलायची का चूर्ण करना है। अच्छा, ये इलायची चूर्ण करके एक छोटा ऐसा जो होता है ना, 5 ग्राम होता है ना, 3 से 5 ग्राम दो पानी में डाल के और सुबह शाम लेते हैं तो बीपी देखो वो नॉर्मल में जाएगा। इलाज तो घर पे मिल जाता है, पानी में मिक्स करेंगे कूट के पानी में मिला के और सुबह शाम लेते रहेगा तो किसी के जो बीपी जो हाई हो जाता है वो डाउन हो जाएगा। और बीपी किसी के होता है, कोई डॉक्टर का दवाई खाते रहता है, ये डॉक्टर दवा खाने वाले लोगों से भी ये तो लेना चाहिए। लेने से क्या होता है, कुछ लोग कंट्रोल नहीं रहता है, कोई दवा खाने से कंट्रोल नहीं रहता है, हाई रहता है, मगर परेशान हो जाता है, मगर उन लोग को भी ये तो ने हम बोले इलायची तो समझ गए ना, एलेका इलायची बोलता है, अब तो सब जानता है इलायची बोलता है। चाय में डालेंगे, वो चाय में डालता है, कुछ कोई फंक्शन में जो होता है बिरयानी में डालता है, और कुछ जो किसमिस जो इलायची सब जो होता है सब में डालता है, ज्यादा से जानता है। वो चूर्ण करके आप लोग लेते रहेगा तो किसी के बीपी होता है, बीपी तो कंट्रोल ना रहता है वो लेना है, स्टार्टिंग में होगा तो उससे कंट्रोल रहेगा, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। दवा का पास बीपी थोड़ा लगेगा तो फिर तुरंत दवा लेने की जरूरत नहीं, इसी से कंट्रोल हो जाता है। ये तो आप लोग ध्यान पे रखना है, ये जरूरी आप लोग जो सुनना चाहिए। आपका प्रॉब्लम जो होता है बीपी से कितना प्रॉब्लम बनता है, बोले मैं वही भी बोल रहा हूँ। बीपी से क्या होता है, जो हार्ट होता है, ये हार्ट का जो नस होता है ना, नस
ये ऐसा जो तो पंपिंग थोड़ा आगे पीछे होती रहेगी तो ये नस क्या होता है, ये नरम हो जाता है। नरम नरम मतलब क्या होता है, पल्स वो पल्स होता है ना, पल्स जो आगे पीछे होता है नरम होने के बाद, तो हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश तो नहीं आता है उतना, इसलिए थोड़ा बोलने में तो होता है। कोई नहीं मालूम होगा तो मेरे को फ़ोन कर सकता है, आप कॉल करके पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नस क्या होता है, जोटा नस्क जो होता है इससे थोड़ा आगे पीछे हो जाने के बाद उसी के दौर सर्कुलेशन कम हो तो ब्लॉक हो जाता है। हाँ और कुछ लोग को 3 4 5 ब्लॉक होने से भी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, एक ही बार उन लोग चेकअप नहीं करते, कुछ लोग कुछ परवाह नहीं, ऐसे होता है। अभी होने से क्या होता है, 2 मिनट चलेगा तो श्वास को जैसे लगता है, थकान ज्यादा होता है, कोई सो बात करते गुस्सा हो जाता है, कभी वो मन शांति नहीं रहता है और चंचल हो जाता है, जो हार्ट का जो होता है ब्लड जो सर्कुलेशन बराबर नहीं रहता, तो अब तो समझ लेना है। और उन लोग के लिए मैं बताया था गार्लिक तो लेने के लिए, गार्लिक तो लेना चाहिए, वो लेगे तो उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर उससे नहीं होगा तो दवा तो लेना चाहिए जरूर, जड़ी बूटी दवाई देने से उसका कंप्लीट है, जो कंट्रोल पे आ जाता है। इसके लिए क्या होता है, वही ये होता है, कभी नस पे जब ये हार्ट का कभी ये हो जाएगा तो उससे, और एक साइड होता है साइड ब्लड सर्कुलेशन होता है, पैनल कोट अंदर से ब्लड ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लड ब्लॉक होने के बाद तो पैरालिसिस होता है। ये पैरालिसिस जो आने के बाद देखो कितना बहुत कष्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है इससे, कितना तकलीफ होता है। मगर वो आने के पहले आप ध्यान से घर से जो होता है, घर के काम है और घर से आप लोग कंट्रोल कर सकता है, जो खारा जो चीज़ जो भी होता है खाने की चीज़ में, जो नमक कम करो, नमक नमक जो साल्ट होता है ना, साल्ट खोला है। हेलो, हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। जी, ये पूछना था कुछ इसके लिए, एंजाइटी के लिए जो वरीज है बहुत थोड़ा सारी रहती है। आवाज आवाज अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बात करो, क्या बोलो। मुझे बहुत सारी एंजाइटी रहती है जी, और मुझे जैसे नेगेटिव थॉट है, वरी है, वो रहता है हमेशा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रहता है और नींद भी नहीं आती है, और वो डर लगा रहता है जैसे पता नहीं क्या अचानक क्या हो जाएगा, बॉडी को अच्छा, कोई हेमरेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे करके डर लगा रहता है। अच्छा, परिवार में ऐसे एक दो बार हो चुका है, तो जी बहुत ज्यादा वरी रहता हूँ मैं, 24/7 बहुत ज्यादा वरी रहता हूँ। अच्छा वो अच्छा थॉट थॉट जो है ना, बार 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 रहता है। जी, अभी कितना अपना उम्र, जी, उम्र तो अभी 48 का है। 48 है। बीपी शुगर वैसा तो नहीं, शुगर नहीं है कोई, बीपी है, बीपी का दवाई लेता हूँ, एंजाइटी का भी दवाई लेता हूँ डॉक्टर अच्छा से, लेकिन कई बार एक दो बार ट्राई भी किया दवाई को छोड़ने का, कम करने का, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग पावरफुल होता है। जी। अभी देखो ऐसा डर लगता है, टेंशन हो जाता है, जी बीपी जो होता है, बीपी ज्यादा होने से। हेलो, जी मैं बोल रहा, सुना रहा है थोड़ा जी हिंदी, सुन रहा है। ये बीपी और ज्यादा रहता है, बढ़ता है कभी, ज्यादा कम होता है, लेवल पे रहता है। बीपी ज्यादा रहता है, नीचे नीचे का काफी ज्यादा रहता है। अभी देखो ऊपर का थोड़ा ज्यादा भी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब काम से वो ऊपर का ज्यादा कम होता है वो, पर नीचे के ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट में इफेक्ट हो जाता है, या नीचे का ज्यादा रहता है। हाँ तो नीचे के ज्यादा रह रहे ना, ऊपर का वो ज्यादा रह गया तो फिर तुरंत फिर कम हो जाएगा, उसलिए जो क्या होता है हार्ट में इफेक्ट हो जाता है, उसमें डर लगता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कोई बात करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, याददाश्त कम हो जाता है। हाँ, ऐसे अभी क्या बहुत होता है, ज्यादा कुछ भी जो भी वरी बिजनेस वरी कर, बहुत ज्यादा रहता है, जी बहुत ज्यादा वरी, चिंता रहती है बहुत चिंता ज्यादा, रहता है, टेंशन होता है, कोई भी बोलेगा तो मन में घूमते रहता तो या मन में घूमते रहता है, कोई है। कुछ भी बात बोलेगा वही, वो दूसरे को ऐसे लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है, और जी वही जी चिंता आपका करके जो बैठता है। टेंशन ज्यादा होता है, कोई भी अच्छा भी बोल तो बुरा लगता है, कोई भी कोई दो आदमी बैठ के दो बात करेगा तो मेरे लिए वो बात कर रहा है, ऐसा जो मन में आ जाता है आपका, हाँ ऐसा उल्टा सीधा, हाँ ऐसे ठीक आता है। है। आपका क्या है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को मालूम हो गया, ठीक है। आपको दो पल्स देखना चाहिए, पल्स देखने से आपको क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप लोग को जो आपके जो दिमाग से क्या होता है, नस का जो प्रॉब्लम है, नहीं तो टेंशन से है, और उसके जो हार्ट का जो कैसा है, ये सब कुछ मालूम हो जाएगा, नाड़ी देखेंगे,
मैं देखने के बाद बता सकता हूँ आपको। आप लोगों को एक बार मिलने से आइए, मेरे नंबर भी आए, अब जो शो शो में हो उसका सोल्यूशन मैं सब कुछ बताएगा, नाड़ी देख के क्या करने का कैसा मैं सब बता देंगे। अभी तो आप लोग क्या करने का, मैं तो अब इलायची बोला है ना, जी इलायची तो अपने बीपी के लिए बोला है। हाँ इलायची भी आपका बीपी भी ज्यादा रहते हैं ना। हाँ बीपी नीचे का रहता है, लेकिन अगर बीपी कंट्रोल भी हो जाता है जैसे जो मेडिसिन लेने से कोई परवाह बीपी नहीं, कंट्रोल आ जाता है, लेकिन जो वरी है ना वो 24/7 का वरी है, सैडनेस है, जी मूड हैप्पी नहीं है, है? जी और वो एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, घंटों दिनों को ठीक है पूरा पूरा दिन एक ही चीज के बारे में दिमाग हल्का सा भी इधर उधर करने की कोशिश ठीक करता है है फिजिकल। ओके। ये क्या बोलने से आपके हिंदी से, मैं तो आप जो बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको जो होता है टेंशन जो होता है, टेंशन का जो होता है आपका जो होता है ना, आपको मन में घूमते रहते, समझ गया। आप लोगों को मैं बाद में फ़ोन कर लेना, मैं देख के उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, उसका आपका नाड़ी भी देखेगा। मेरे नंबर है 07501-866-844, अब बाद में फ़ोन करने से उसका सोल्यूशन भी मैं बता देंगे। अभी शो में है ना, समझ गया ना जी मैं बताया। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं याद विंडजर में रहता है, रेडिंग रेडिंग के पास, रेडिंग विंडजर। रेडिंग रेडिंग में रहते हैं, अच्छा ठीक है कोई परवाह नहीं। आप फ़ोन कर लेना, मैं सब कुछ आपको सोल्यूशन मैं बता देंगे, मैं शो होने के बाद, समझ गए आपका प्रॉब्लम। ओके 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 जी थैंक जी, यू। धन्यवाद जी। ऐसे मैं बताया ना उसको लिए बीपी के लिए जो बोल दिया था, और उसके भी बीपी से ऐसा प्रॉब्लम तो उनका भी, और शुगर भी होता है। बीपी किसी का आता है, शुगर भी आ सकता है, शुगर आने से बीपी भी आ सकता है, और ये दो आने से कोलेस्ट्रॉल भी आने के चांसेस है, समझिए ना। ये तीनों मिलेगा तो क्या होता है, शरीर में सब जो नाभि होता है, नाभि जो नस होता है, नस का पूरा क्या होता है सुन कर लेता है सुनकर वो ना, नस जो होता है ना पूरा क्या होता है उसके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है शुगर से और भी जो होता है, और नस होता है छोटे छोटे नस डैमेज हो जाता है। ये शुगर तो इंसुलिन जो प्रोडक्शन जो होता है, ये प्रोडक्शन से जो ग्रंथि होता है प्रैंक्रियास होता है, किसी के जो सबका जो प्रैंक्रियास का तो डेवलपमेंट रहता है, सबका जो रहना चाहिए, किसी के जो प्रैंक्रियास जो इम्प्रूवमेंट जो कम हो के इंसुलिन जो नहीं देता है उसका डायबिटिक बोलता है। हेलो जी हेलो डॉक्टर नमस्ते। बोलो बहन। मुझे खांसी की बहुत प्रॉब्लम रहती, बड़े सालों से बहुत कुछ करती हूँ। खांसी होता है माँ? हाँ अच्छा, अभी खांसी मतलब सूखा खांसी आता है? कभी हाँ जी, ज्यादातर सूखा ही होता है, और कुछ भी जैसे अभी इस साल फर्स्ट टाइम मुझे हुआ, जैसे गार्डन से क्या बोलते हैं हाँ, तो वो मैं डॉक्टर ने गोलियां वगैरह दी थी तो टेम्परेरी मुझे फर्क पड़ गया। अभी क्या होता है जब मैं गार्डन में जाती हूँ तो मुझे बहुत खांसी आने लग जाती और मेरे गले में दर्द होना शुरू हो जाता अभी है। देखो बहन, खांसी मतलब वो दो तीन तरीके होते हैं। एक वो एसिडिटी बनता है, अच्छा ठीक है। ये एसिडिटी क्या होता है, अंदर में पित्त, पित्त से एसिडिटी हाँ बनता है पित्त गर्मी की वजह से जैसे। गर्मी, ये पित्त बन के क्या होता है एसिडिटी बन के, एसिडिटी क्या होता है गले में आने से, हाँ ये एसिडिटी ऊपर नहीं जाता नीचे रहता है, वो खांसी स्टार्ट होता है नहीं अभी जैसे ये तो मेरी नई प्रॉब्लम हुई है, जी। तो मैंने देखा जड़ी बूटियों से, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने देखा था प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता कब से आते हैं आप। जी मैंने किया था तो आपके उसमें तो कोई अच्छा उठाता नहीं था, तो अच्छा 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 मैं चाहती थी आपसे रास्ता कायम करूं, अच्छा और मुझे अच्छा पता नहीं आप कहाँ कहाँ रहते हैं, आप बात कहाँ से करते एज हेज एलिंगटन है, हेज एंस में रहता है। हेड में, आप कहाँ रहता है? हेड में रहते हैं आप? हेज में रहते हैं आप कहाँ हाँ रहते? आप बाजू में, हम साउथ हॉल में। हाँ सावताल में है, ठीक है ठीक जी है, सावताल में को तो नजदीक है। आपका जो है प्रॉब्लम एसिडिटी से भी होता है, कुछ जो लेंस होता है, लेंस जो ये लेंस में कब बैठता है, कब से के क्या होता है उसका दौरे, या खांसी आ नहीं, जाता जैसे है। मुझे बहुत सालों से वो खांसी की प्रॉब्लम, तो मैं ओके चाहती थी मैं एक बार आपसे मिलके तो बैठ के बात करके तो दवा ओके ले सकूं। बहन जी, मेरे आपसे मैं, आप एक बार आइए हमारा ऑफिस में आइए, हमारा नंबर जो है ना, नंबर जो होता है 07501-866-844,
8664 ये नंबर फोन करना। मैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लिख भी लिया, मेरे आ गया, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा के वो नंबर नोट कर लिया। ओके बहन जी, आप लोग बाद में फोन करो। ये जो लाइव आ रहा है नीचे, जैसे अभी मैंने जिससे किया, ये आपको ऑफिस का नंबर? हाँ, नीचे जो लाइव आ रहा है ना, वो ऑफिस का है। चलो ठीक है, थैंक यू भाई साहब। अभी नीचे जो आ रहा है एड्रेस जो था हमारा ऑफिस का है, वो लाइव जो जिसपे लिखा है। अभी आप फोन किया ना, स्टूडियो का नंबर फोन किया ना? हाँ जी, जैसे अच्छा ये स्टूडियो का, वही मैं, ये तो स्टूडियो का है, ऊपर में जो है ना हमारा नंबर, ऊपर में जो है ना 0750 वो मोबाइल का है। हाँ, मोबाइल का। आप कॉल कर लेना, कॉल करने से मस्क उसका क्या मैं सोच रही थी वो तो स्टूडियो में, क्योंकि हम स्टूडियो में बात करते थे राम भट्ट जी से। अच्छा, वो तो ये पुराना नंबर हमें याद है वैसे ही। ओके ओके भाई, थैंक यू भाई साहब आपका, डॉक्टर साहब थैंक यू, तो हम मिल के बात करेंगे। ओके ओके सिस्टर, हम बाद में फोन कर लेना। धन्यवाद। मैं ब्रेक ले जा रहा हूँ, ब्रेक में जा रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद फिर हम आएगा, आप लोग देखते रहना। आप लोग सब लोग जो बैठा है, देख रहा है, आप सुन रहा है, आप बैठिए, मैं ब्रेक करके आ जाता हूँ। ओके, movement that inspires. He loves you so much. Every day he showers you with gifts. Warm, yellow, scented gifts. Yay! Your boyfriend got one too. Love is stronger than dog wee. So is plenty. Choose how much you use with flexi-sized sheets. One sheet does plenty. And it's tubeless. Ketchup. Pickles. A triangle Whopper. New flame-grilled Whopper-flavored Doritos. Whoa. Believe it. Plus, get a free Whopper meal offer with Doritos bags. Join Happy Tiger. Try a completely new online bingo game today. It's bingo that'll make your jaw drop. And it's super social. Play for as little as 25p and get your chance to win up to £2,500 every 5 minutes. So what you waiting for? Come join us. Just search for Happy Tiger Bingo. Happy Tiger Bingo. Low stakes, roaring bingo fun. When our John passed, we wanted to give him a send-off that was right for him. He was always more at home on the sea. A proper no fuss and bother kind of guy. So we knew direct cremation was what he would have wanted. Co-op Funeral Care knows everyone is different. So if you want to give your loved one a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just £1,195. And you can celebrate them in your own way. To find out more, visit us or give us a call. Co-op, it's what we do. That couple paid 50% less than us for secret escapes. So we could have afforded to bring Toby after all. You okay, little man? Should we get some more drinks? Yeah. Hi. Secret escapes. Luxury travel for less. Family life. It's made of ups and downs. And those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. Our warm welcomes. Cozy cuddles and afternoon nappers. They're always right by us. So we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them. Not just a life well lived, a life
well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box plus access to our 24-hour video vet service. Could you help a seriously ill child to smile with a gift in your will? I had a very sore leg. The doctors said I had leukemia. Gifts in Wills have helped Great Ormond Street Hospital Children's Charity fund vital research that's led to kinder treatments and cures. Will you leave a gift in your will so we can help the children at Great Ormond Street Hospital who will still urgently need us tomorrow? Our researchers work tirelessly to find life-changing treatments and cures, but so many children are waiting for that next breakthrough. When can I go home? A gift in your will could help fund future research. I want to be able to play with my friends again. Find out more by requesting your free will guide today. Call 0800 472 5779 or search Gosh Will online. A gift in your will could help give seriously ill children a chance of a brighter future. At Cognac, at Floppy. Be a bad time for the broadband to go down. Don't worry, you're on Full Fibre, the UK's most reliable broadband technology. You did switch to Vodafone, right? Switch to Vodafone. Reliable broadband without the price tag. नमस्कार, मैं ब्रेक के बाद फिर वापस आया हूँ। अब जो बैठा है अब देखते रहना, सुनते रहना। हॉल रिलेशन कर नमस्कार। ये जड़ी बूटी दवाई में फीवर वेज है, वेज जो भी है सब लोग खा सकता है। ये जड़ी बूटी फीवर वेज अभी मैं बताया था, आप तो सुन रहे हैं। अब नया से जो मैं बता रहा, शुगर के लिए आता है। शुगर तो अब ख्याल रखना है, शुगर तो बहुत खतरनाक है, वो धीरे से जान खत्म कर लेता है। बीपी सडन खत्म कर लेता है। शुगर के जो होता है, जो भी खाने की चीज़ जो होता है, कंट्रोल पे रहेगा तो अच्छा है। शुगर आने के बाद कंट्रोल करने के लिए, शुगर आने के पहले कंट्रोल करेगा तो अच्छा है। बीमार आने के बाद करेगा तो क्या फायदा है, आने के पहले कंट्रोल करो। अब 30 से 40, 30 के बाद अब मीठा होता है, कम करो खाने का। जब क्या होता है, डाइजेशन का जो होता है, अपना लीवर का, डाइजेशन का, सब का जो होता है, और पैंक्रियास का सब जो वीक होता है, जब तो इंसुलिन देने के ग्रंथ जो वीक होता है, तो तब शुगर कम करो। अभी छोटा उम्र में 25 30 साल के अंदर खाएगा तो कोई परवाह नहीं। अभी तो छोटा उम्र के लोगों में शुगर आता है, ज्यादा से क्या होता है, और 25% छोटा बच्चों को भी आ रहा है, और 50% जो है और 40 के बाद आ रहा है। मगर उसी का पहले जानकारी जो लोग होता है उसके दो जड़ी बूटी में बीमार में ख्याल रखता है, तो वो तो कब से क्या खाना, कब से नहीं खाना, वो कंट्रोलेबल रहता है। मीठा जितना कम करे तो उतना अच्छा है। शुगर जो आने के पहले थोड़ा कंट्रोल कर ले आप लोग, और ये भी फूड मत खाना जो खाने का हल्का फूड, जल्दी अजम होता है। जो भी हो अजम होने वाला, जल्दी अजम होने, वो अजम जो पाचन क्रिया होता है, जो भी कहो कोई परवाह नहीं। किसी के जो वेट ज्यादा जो होता है उसमें हजम नहीं होता है, वो ज़्यादा खाने से क्या होता है, उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बन जाता है, गैस ट्रबल होता है, वायु होता है, ये सब बनता है। किसी के जो होता है, सब लोगों को पेट साफ होता है, कुछ लोग क्या होता है, पत्थर भी खाओ गल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी खाता है उसका भजम होता है, हजम से पेट साफ रहता है, तंदुरुस्ती भी रहता है। किसी के जो होता है पेट का जो प्रॉब्लम आने का आता है, उन लोगों को थोड़ा खाने में थोड़ा कंट्रोल से रहना जरूरी है। जरूर क्या बोलने से, ऐसा जो होता है सब्जी वगैरह, सब्जी आइटम ज़्यादा लेने का, और मटन जो चिकन आइटम कम करना है। और किसी के जो ज़्यादा हो तो आप लोग शाकाहारी मांसाहारी होता है, फिश जो ज़्यादा ले लो। फिश में तो हफ्ता में 2-3 बार लेने से भी ठीक है, मगर मटन तो थोड़ा कम करो,
और चिकन तो एक बार कभी कर लेना, ये तो जीवन का अच्छा है, ये थोड़ा करते रहना। शुगर कभी जो होता, शुगर हो गया, किसी के शुगर है, शुगर आएगा बोल के फिर घबराना नहीं। शुगर घबरा के फिर क्या होता है, पूरा खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो उसी के जो आप लोग खाने के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी छोड़ देता है, शुगर आता है, घबराते रहेगा तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। घबराने के खाना भी खाओ मगर थोड़ा ले लो, जब होता है इतना ले लो, सब्जी थोड़ा ज़्यादा ले लो, लेने से भी आपका तंदुरुस्ती अच्छा रहेगा, पूरा छोड़ेगा तो ये भी प्रॉब्लम होता है। मगर ये तो प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बाद नस का प्रॉब्लम होता है, तंदुरुस्त होता है, सेक्सुअल का प्रॉब्लम भी हो जाता है, और मन शांत रहता है, वो तो एनर्जी नहीं होता है, तो चलने में घूमने में खाने अब लोग खा भी चलेगा तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो खाने को चीज़ तो कंट्रोल से खाओ, सब ठीक रहेगा। इधर में जो रोमर्थिक आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम बहुत लोग का है, मगर क्या होता है थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, क्या होता है ऐसे है कोई परवाह नहीं, ऐसे देखते रहते हैं, और उससे ये अपना जो रोमांटिक प्रॉब्लम जो होता है, जॉइंट 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 में पूरा उसके अंदर में ग्रीज होता है, एनर्जी होता है, सब खा जाता है, पर ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होता है, हड्डी के जो होता है इसी के अंदर में पूरा पानी भर जाके आर्थराइटिस बन के उससे क्या होता है, वास से भी उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा किडनी में भी लीवर का जो ये कर देता है, लीवर में इफेक्ट होता है और किडनी में भी इफेक्ट है रोमांटिक आर्थराइटिस से। और कुछ लोगों को जो लोग वाल्व होते हैं ना, वाल्व भी ब्लॉक होने का है, मगर क्या होता है इसीलिए जो रहता है ज़्यादा से खेल रखना चाहिए, और उससे जो ज़्यादा है उतने का तो अब ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट में ये ग्रीस कम होता है, हड्डी जो रगड़ जाता है, हड्डी का जो अंदर ग्रीस कम होने के बाद जॉइंट बैठने में उठने में बहुत मुश्किल होता है, ये प्रॉब्लम आने के बाद कितना तकलीफ होता है, बहुत अच्छा घूमने वाला चलने वाला लोगों का एकदम ऐसा जो प्रॉब्लम होने का, तो बहुत लोग अभी बहुत लोग रो रहा है, बहुत लोग प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके लिए पहले से सोंट होता है, सोंट का चूरन तरवा इंग्लिश आंध्यम दो आंध्यने दाशन दाशन इंग्लिश जो होता है आप ऑयल है, ऑयल तो उसी के नाम तो हमको भी थोड़ा कस्टर्ड ऑयल आंध्यम कस्टर्ड ऑयल, ये कस्टर्ड ऑयल जो होता है ना और सोंट ये पानी होता है, पानी में जो उबाल के ये थोड़ा जो एक गिलास पानी में आधा गिलास करके सुंठ एक हाफ टी स्पून कस्टर्ड ऑयल एक टी स्पून पानी में उबालेगा तो क्या होता है, ये पानी पूरा ये गिल जाता है, ये थोड़े सुंठ ये पूरा पीते रहेगा, वो खाते रहेगा तो पेट साफते रहेगा, तो जो वात का जो प्रॉब्लम कहाँ रहेगा तो वात का जो पानी होता है वो निकल जाएगा। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में करना चाहिए, और आगे बढ़ेगा तो उसके लिए फिर दवा है, जड़ी बूटी की दवाई खाने से ठीक होता है, मगर ये स्टार्टिंग में होने से किसी के जो कब्जियत होता है, किसी के जो मलबंधक होता है, किसी के जो होता है जॉइंट में दर्द हो रहा है थोड़ा, कभी सूजन लग रहा है, अब ये ऐसा जो ये ऑयल और सुंटो का चूरन ये मिला के लेने से क्या अच्छा होता है। कॉल आया है, हेलो हेलो भैया जी। हाँ बहन जी बोलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते बहन जी। आप आए नहीं इधर, दवाई लेनी है किसी ने आपको बोला था मैंने। हाँ बहन जी मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं आता हूँ, आएंगे अब कल परसों आ जाता कल से बोल रही है, कल तो वो जाएंगी कहीं। ठीक है फिर मैं आएंगे, तो आप जरूर आ जाना भैया। ओके बहन जी, ओके मैं आता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो काफी ना को फर्क पड़ा है, वो बोलती है हमने दवाई लेनी है, हम ठीक हो गया। ठीक है बहन जी नमस्कार, आपकी बहुत अच्छी दवाई है, मैं ओके किसी ने एक दो जाने ने दवाई, जब आप जाएंगे आएंगे तो फिर हम आपके पास उसके पास लेके जाएंगे। ठीक है बहन जी मैं आता हूँ, आप लोग थोड़ा टाइम नहीं मिला था, मैं आ जाएंगे। ओके ओके थैंक यू, ओके धन्यवाद। ऐसा कुछ टाइम होता है ना, टाइम नहीं मिलता है तो फिर सब लोग के पास मिलने के लिए हमारे पास आता है, कुछ लोग प्रॉब्लम हो जाएगा तो मिलता है क्या ना, पर बहुत लोग जो सब लोग देखना पड़ेगा ना, इसलिए क्या होता है ये वात के लिए ये प्रॉब्लम
लिए पहले से स्टार्ट करते रहेगा तो मैं जो बताया था, पेट साफ रखना, और उसके बाद हम लोग जो पानी सुबह में जो मिला के जो होता है ना वो लेने का है, और कुछ लोग जो होता है इसी में, और कुछ ये सब नहीं करे हल्दी होता है ना, हल्दी हल्दी का ये होता है ना, हल्दी जो होता है कस्तूर हल्दी बोलते हैं, क्या होता है वो सुखाया वो नहीं है, घर पे जो होता है घर का जो हल्दी जो होता है उससे जो होता है अभी दुकान से लाया वो नहीं है, और वो भी एक खाल टी स्पून ये लेते रहे तो वो शरीर में बॉडी में जो एंटीपेटिक जो होता है ना एंटीपेट जैसा ये भी ऐसा काम करता है। ये छोटा छोटा चीज है, उसी बीमारी में जो होता है ना दवाई में ये छोटा है घर का काम है घर का होने वाला, ये लेते रहेगा तो एकदम ठीक होते रहेगा, एक एक तो ठीक होते रहेगा। और कुछ लोग जो हास्मा प्रॉब्लम है एलर्जी है ये हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए फिर योर क्लिनिक हेलो हेलो जी हेलो I want to know where is your clinic in here? हिंदी आता है कोई साउथ इंडियन का किधर कौन सा हिंदी में बोलिए हिंदी आता है हिंदी स्टेशन के पास है हाँ वही है अपना हिंदी आता है हिंदी अब तमिल है मलयालम है हिंदी है साउथ इंडियन का है मेरे को ये तो आई एम नॉट श्योर बट आई जस्ट वांट टू नो आप एवरीडे ओपन करते हैं कि नहीं जी हेलो जी मैं बाद में फोन कर लेना चलो जैसे जो है ना जो प्रॉब्लम जो होता है कुछ लोग का भी जो मैं बोल रहा है ये सुनते ऐसे नहीं रुकना जो सुन रहा है वो खर के देखो खरने से उसका मालूम हो जाता है आस्मा का प्रॉब्लम होता है अभी जो कोरोना प्रॉब्लम जब आ गया आस्मा बहुत लोग ज्यादा हो गया है इसका दो लेंस होता है ना लेंस के जो कपड़ा जो होता है कपड़ा वीक हो जाता है ये लेंस से क्या होता है आपका जो फिल्टर कम हो जाता है और कुछ जाने में वो ऐसा चलने में क्या होता है ऐसा दमा लगता है ये दम से जो जो हास्मा होता है हास्मा से ब्रोंकाइटिस हास्मा होता है स्टार्टिंग का क्या प्रॉब्लम है स्टार्ट में क्या होता है एलर्जी हो जाता है ये एलर्जी डस्ट होता है कोई पोड़ी होता है कोई घर पे जो होता है ये ऐसा जान से क्लाइमेट हो सकता है एलर्जी स्टार्ट होता है ये एलर्जी होते रहेगा तो एलर्जी क्या होता है कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं परवाह नहीं होता उसका नजला बन जाता है ये नजला बन के उससे क्या होता है लंग्स पे उतर जाता है लंग्स में हेलो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि फॉर नी प्रॉब्लम डू यू हैव एनी ऑप्शंस एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आई ट्राइड लॉट ऑफ मेडिसिन यू नो हेलो हेलो कैन यू हियर मी हिंदी हेलो बोलिए मेरे को जब नी का प्रॉब्लम है हाँ जी बोलिए तो मैं इसीलिए आप मैं आप, आप मैंने मैंने बहुत सी दवाई की ठीक है पर इससे कभी तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है अच्छा 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 आपका उम्र कितना है मेरा उम्र 58 है 59 59 अच्छा अच्छा नी का दोनों का है एक का है जी नेक पेन जो होता है एक से लेफ्ट साइड होता है राइट साइड दोनों का होता है नहीं नहीं ओनली ओनली ऑन ऑन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड ठीक है शुगर बीपी वगैरह है ना शुगर वगैरह कुछ नहीं है नहीं है ना ठीक है उसमें जो होता है इसके ग्रीज कम हो जाता है किसी के जो रोमांटिक प्रॉब्लम जॉइंट पेन है आपका जॉइंट देखता हूँ उसके लिए क्या करने का है मेरा नंबर है और बाद में फोन कर लेना उसके लिए क्या सोल्यूशन है मैं सब कुछ बता देंगे बाद में फोन करूँ बाद में फोन कर लेना ओके जी हमारा नंबर जो है ना उधर 07501 07501 8668 44 है ना ये नंबर को कॉल करने का मैं उसके बारे में सॉल्यूशन क्या करने का मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ थैंक यू सर ओके जी नमस्कार धन्यवाद जो ऐसे जो आस्मा प्रॉब्लम
उससे क्या होता है, पूरा लेंस पूरा ख़त्म कर लेते हैं, मगर वो लेंस का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ का उसके कोई दवाई भी नहीं होता है, इतना बड़ा डेंजरस है। उसके लिए बहुत अच्छा दवा है, उसका सोल्यूशन भी बताने का और क्या करने का है, कैसे करने का है, और सुबह में कैसा है उसी का जो होता है आस्मा किसी को होता है, और सुबह का टाइम जो होता है उसके जो मास्क लगाना पड़ेगा, जब बास बाहर जाता है मास्क लगाना चाहिए, कुछ डस्ट नहीं आना, कुछ कुछ स्मेल नहीं लगाना, और ऐसे बुरा स्मेल भी जो होता है क्लाइमेट ऐसा लगता है, कभी भी मास्क लगाए रहे तो उसका आस्मा का एलर्जी का वो कंट्रोल पर रहता है, मगर नहीं करेगा तो वो बढ़ जाता है। वो अगर बढ़ेगा तो उसके लिए क्या करने का है उसके लिए मैं बताएंगे, सोल्यूशन बता देगा, कोई सी कभी वो प्रॉब्लम रहेगा तो आपको फ़ोन कर सकते पूछ सकता है, ठीक है। और उसी से क्या होता है, हेडेक प्रॉब्लम होता है, माइग्रेन होता है, माइग्रेन ये माइग्रेन क्या होता है, अभी कभी कभी जो होता है तो अभी ट्रैवल्स करने से वो ट्रैवल करने से क्या होता है, इसी के अंदर के जो होता है पित्त होता है, पित्त क्या होता है, पित्त क्या होता है, इसके इसके अंदर बैठ के है और हेडेक होता है, हेडेक होके उसके क्या होता है वॉमिटिंग जैसा होता है, जब वॉमिटिंग होएगा तो हेडेक कम हो जाता है, ऐसा जो पित्त हेडेक माइग्रेन बोलता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है, जड़ी बूटी की दवाई भी बहुत कुछ है। अभी दवाई से क्या होता है, अभी कुछ लोग जो होता है दवा नहीं खाता है, कुछ नहीं होता है, दवा नहीं खाने से भी प्रॉब्लम है। अब ऐसे हेडेक आते आते क्या होता है, उसका नस होता है, नस सर्कुलेशन कम होएगा तो आंखी की दृष्टि भी कम हो जाता है, और कुछ लोग जो पढ़ाई लिखे करते हैं उन लोग बच्चों के लोग भी देखो आंखी की दृष्टि कैसा कम होता है, वो हेडेक से भी कम हो जाता है, इसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई भी है। और दूसरा जो होता है स्पोंडिलेक्स होता है, स्पोंडिलेक्स क्या होता है, आपका नस होता है इसी का जो होता है ये जॉइंट जॉइंट के में ये नस जो होता है नस दब जाता है, इसमें गैप आ जाता है, गैप आने के बाद तो नस होता है ना, नस उसका दबेगा तो उससे क्या होता है स्पोंडिलेक्स हो जाता है, ये बारे में एक तो पीठ पे बैक पेन भी आता है, और उसके अंदर जो होता है हड्डी का होता है ना हड्डी का जो कैल्शियम जो होता है और ग्रीस कम हो जाता है, और क्या होता है ये हड्डी का जो होता है गैप आ जाता है, और उससे जो होता है साइटिका होता है कुछ लोगों का, साइटिका ये साइटिका क्या होता है नस होता है दबते रहेगा तो क्या होता है अब बैठने में उठने में चलने में नमनेस भी हो जाता है, उसके लिए क्या करने का दवा, तो उसका भी बहुत अच्छा दवा है जड़ी बूटी दवा, उसका भी एकदम ठीक होने का है। और सोरियासिस का, आपका सोरियासिस, सोरियासिस में बहुत तरीके है, और रेड हो जाता है और ब्लैक हो जाता है और वाइट हो जाता है। ये सोरियासिस प्रॉब्लम कैसे आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इधर का एरिया में ठंडी का बहुत है, बहुत डेंजर प्रॉब्लम ये तो ठंडी जो होता है ठंडी, ये ठंडी कम रहने से कोई ज़्यादा रहने से क्या होता है विटामिन डी कम हो जाता है, विटामिन डी ये विटामिन डी कम होता है, और कुछ लोगों को होता है कपड़ा जो पहनने से जैकेट एक से एक दो तीन चार ऐसा जो पहनने के ठंडी के लिए होता है कभी हवा नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलेगा तो ये कपड़ा उसके शरीर के जो ऐसा जाम हो के लग के उससे भी स्किन एलर्जी हो जाता है, कभी खुजली हो जाता है, और उससे बढ़ते बढ़ते कर एक्जिमा हो जाता है, सोरियासिस ऐसा प्रॉब्लम बनता है, उसके लिए बहुत अच्छा दवाई है दवा जड़ी बूटी का दवा जो होता है। और निम निम का जो होता है नींबू का ये पाउडर निम निम पाउडर होता है, ये निम का पाउडर होता है ना उसको नहीं मिलता इधर से, जहाँ होता है उसका जाड़ जो होता है ना जाड़ का पत्ता होता है वो पत्ता इधर इधर नहीं मिलेगा, वो कच्चा पत्ता सब कूट के और उसके शरीर में लगा के स्नान करेगा तो और स्टार्टिंग स्टेज में एकदम ठीक हो जाता है, मगर सूर्यास्त जो बनने के बाद बढ़ने के बाद प्रॉब्लम होता है, उसके लिए जो अंदर से जो ठीक होना है रक्त शुद्धि होना है ब्लड शुद्धि होना होने के बाद ठीक होता है, ऊपर में जो लगाने से क्या होता है स्टार्टिंग स्टेज में ये पिस से बनता है वो ठीक हो जाता है। सोरियासिस के लिए भी बहुत अच्छा दवा है, उसका जड़ से खत्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। और कुछ लोगों को पाइल्स प्रॉब्लम है, पाइल्स प्रॉब्लम रहते कुछ लोग बताता नहीं बोलता नहीं, बोलने से शर्म लगता है। ये पाइल्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा दवा है, क्या होता है कुछ लोग को खून जाता है बगंदर होता है जो मलम जाने के जो होता है आप लोग कब्जियत जो होता है कब्जियत होकर उठो कभी मोशन फ्री नहीं होता है तो उधर टाइट हो जाता है वो अंदर में जो पट के भी उससे भी जो होता है ब्लड होता है ब्लड निकलता है
ये बेल्ट निकलते निकलते क्या होता है, कुछ लोगों का कैंसर भी बनने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, और कुछ लोगों का जो होता है अल्सर हो जाता है। ये अल्सर से क्या होता है, थोड़ा 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 घाव हो जाता है। ये घाव होते रहेगा तो क्या होता है, कुछ खाते है ना, खाने के टाइम जो डाइजेशन होके नहीं होता है, जब डाइजेशन बराबर नहीं हो से क्या होता है, ये ऊपर चढ़ता है। ये ऊपर जो होता है अभी खाने के बाद, ये तो अंदर चलने के बाद ये तो ये हो जाता है, इसी से क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ये पचन क्रिया होता है। ये क्या होता है, ये ऊपर चढ़ता है, ये ऊपर चढ़ने से क्या होता है, ऊपर से जलन हो जाता है, और खांसी होता है, खांसी भी आ जाता है, और खप भी बन सकता है, और खांसी होते रहते हैं, फिर बार बार एक मिनट की खांसी आ जाता है। वो खांसी का बीमारी नहीं है, वो आस्थमा नहीं है, क्या होता है एसिडिटी, पित्त एसिडिटी प्रॉब्लम से क्या होता है, उसके अंदर घाव होके वो एसिडिटी ऊपर आने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए बहुत अच्छा दवाई है, जड़ी बूटी दवाई, दवाई खाने से उस वो अंदर का जो सूख जाता है, जो घाव है वो भी सूख जाएगा, एसिडिटी भी निकल जाएगा, और उसके बाद में उसके शरीर का जो होता है एकदम ठीक हो जाता है। और एक जो होता है दवाई जो खाने के टाइम कोई परहेज नहीं है, जड़ी बूटी दवाई खाने से सब खाते रहना, बीमारी ठीक हो रहना। ओनली एक तो परहेज, शुगर जो होता है शुगर तो नहीं लेना है, शुगर किसी को होता है उन लोग को नहीं लेना है, और सब करें तो कोई परहेज कुछ नहीं है। इधर में जो होता है प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, जो वात का, पित्त का, गैस्ट्रिक हो, आस्थमा, शुगर हो, अल्सर हो, अपेंडिक्स हो, और डाइजेशन प्रॉब्लम, हेडेक प्रॉब्लम, शरीर के जो होता है नस का प्रॉब्लम, एनर्जी, वो किडनी फंक्शन जो होता है, कुछ लोगों को क्या होता है सूजन आ जाता है, कभी कभी तो सूजन पाम में सूजन आ जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा जड़ी बूटी दवा है, जड़ी बूटी दवा तो बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा। और उससे मैं बताता है, घर पे भी है आइटम खाने की चीज़, क्या प्रॉब्लम है क्या है, आज तो घर पर चीज़ है, कुछ आइटम तो मिल जाएगा, घर से भी खा सकता है, उससे भी ठीक होने, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी ठीक होने वाला है। अब कोई भी जो आप लोग का बोलने से कोई भी आप लोग पूछ सकता है, आपको प्रॉब्लम बता सकता है, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या करना है पूछने से भी उसका सोल्यूशन भी बताएगा। हमारा नंबर भी है 07501-866-844, इसका कॉल कर लेना, ये कॉल करें तो आपके लिए मैं सब बताएगा। आपका जो बोलने पूछने के लिए करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम किसी के जो प्रॉब्लम रहेगा तो उम्र ज़्यादा रहेगा, वो लोग आने के लिए प्रॉब्लम हमारा ऑफिस आने के मुश्किल होगा, तो मैं घर पे आके भी पल्स देखता है, नाड़ी देखता है, कोई चार्जेस करने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान नाम, हम लोग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ही हम लोग को जगह जमीन सब कुछ दिया है, हम सेवा होता है, सेवा करने के लिए है ये सेवा सब करने के लिए। हम घर के आने के लिए कोई खर्चा वर्चा नहीं लेता है, और नाड़ी देखने के भी हम कुछ नहीं लेता है। इसके लिए आप लोग कोई डरने का नहीं, कुछ खर्च देने का उस लोग कुछ आएगा तो कुछ देना, वैसे नहीं समझना। आपका जो प्रॉब्लम जो है ये सब कुछ मेरे को बोलेगा, पूछ सकता है, सब कर सकता है। अभी शो खत्म होने वाला है, मैं नेक्स्ट वीक आ जाता हूँ, और नेक्स्ट बुधवार भी है और शनिवार भी है, सबका जो होता है। कार रिलेशन का धन्यवाद, नमस्कार।